कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे परेड रोड सागर मध्य प्रदेश। निवाड़ी जिले के सैदपुरा गांव में आज सुबह बोरवेल में गिरे 5 वर्षीय बालक को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। अभी तक 4 JCB मशीनों और 2 LNT मशीनों से करीब 20 फुट खुदाई हो सकी है, जबकि बच्चा करीब 55 फुट गहराई पर फंसा हुआ है। मौके पर मौजूद 15 सदस्यीय सेना की टीम द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। डॉक्टरों द्वारा लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। वहीं एडिशनल SP का कहना है करीब 2 से 3 घंटे में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। 8 से 9 घंटे का समय बीत गया है और रेस्क्यू अभी जारी है। प्रशासन, SDRF, सेना सभी लगे हुए हैं। क्या उम्मीद है, कब तक ये रेस्क्यू चलेगा? हमें पूरी उम्मीद है और हमारे प्रयास बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के ही है। चूँकि नया जिला था इसीलिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर भी कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदया ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए SDRF, आर्मी सभी जगह से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द संसाधन मुहैया कराए हैं। और हमारा पूरा प्रयास यह है कि अगले 2 से 3 घंटे में हम उसको रेस्क्यू करना है। ये क्या स्ट्रेटेजी है, पूरी क्या रणनीति है जिसके तहत इस बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, इसमें एक्सपर्टाइज जो आर्मी के अधिकारी हैं आए हुए हैं उनके पास है और उन्हीं के नेतृत्व में यह पूरा ऑपरेशन चल रहा है। कुछ इस तरह से होगा कि बेल खोदा जा रहा है, सुरंग बनाई जाएगी, उसी तरीके से पूरा रेस्क्यू होगा क्या? जी बिल्कुल, वो पूरा उनके बताए हुए अनुसार जो मानक हैं उसी हिसाब से किया जाएगा ताकि बच्चा सुरक्षित निकाला जा सके। तो आपको कितनी उम्मीद है 12 बजे तक रेस्क्यू हो जाए? हम उसके बहुत पहले कंप्लीट कर लेंगे। दीदी, अब तक कुछ बच्चे को खाने के लिए कुछ भेजा गया उसके अंदर? देखिए, बच्चा बहुत छोटा है, बड़े व्यक्ति भी ऐसी अवस्था में होने पर कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा बहुत छोटा है। तो शुरुआत में जो रिस्पोंड कर रहा था वो अब रिस्पोंड नहीं कर रहा है? अभी पिछले 2 घंटे से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन बच्चा की हालत स्थिर है।